हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। शिक्षक को प्रताड़ित करने वाले आरोपी बीईओ पर कार्रवाई, जाने क्या है मामला। मैडम जी, भूख लग रही है, घर से खाना ले आएँ। भूख से तड़पते बच्चों ने जब अध्यापिका से कहा, पढ़िए पूरा मामला। अजब गजब, प्राइमरी स्कूल में सोते दिखे अध्यापक, सवाल पूछने पर दिया हैरान करने वाला जवाब। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, इन 14 प्रस्तावों में कैबिनेट ने लगाई मुहर। करीब 2 दर्जन स्कूलों के हेडमास्टरों की थानेदारी होगी समाप्त। शिक्षक नेताओं और प्रधानाध्यापकों की मनमानी के चलते रुका संविलियन। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईएफ यूट्यूब चैनल पर। शिक्षक को प्रताड़ित करने वाले आरोपी बीईओ पर कार्रवाई, जाने क्या है मामला। ईटा जलेर क्षेत्र के एक सहायक अध्यापक को अवैध वसूली के लिए प्रताड़ित करने के आरोपी बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई की गई। उन बीएसए कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है, जबकि एक आरोपी शिक्षक को निलंबित किया गया। नगला गडरिया के प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक सतीश कुमार ने विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें बताया कि शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार द्वारा बार बार उन पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने चेतावनी भी लिखी कि सोमवार को तहसील मुख्यालय पर अपने ऊपर तेल डालकर आत्मदाह करूंगा। मामला उछलने के बाद बीएसए ने जाँच बैठा दी थी। शनिवार को उन्होंने जाँच होने तक के लिए बीईओ को अपने कार्यालय से संबद्ध कर दिया। उनके स्थान पर अवगढ़ के बीईओ को अतिरिक्त प्रभार दिया है। पोस्ट में एक नाम हरिबाबू शर्मा का भी आया है। बीएसए ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय नगला मदारी के प्रधानाध्यापक हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। मैडम जी, भूख लग रही है, घर से खाना ले आएँ। भूख से तड़पते बच्चों ने जब अध्यापिका से कहा, पढ़िए पूरा मामला। हापुड़ नगर क्षेत्र के एक स्कूल में 2 दिनों से शनिवार व कल सोमवार को नहीं बना मिड डे मील मध्यान्ह भोजन, जिस कारण नन्हे मुन्नों को भूखे रहकर ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल में मिलने वाले भोजन की आस में बच्चे घर से भी खाना नहीं ला रहे हैं। वहीं नाराज अभिभावकों का कहना है कि अगर बता दिया जाए कि स्कूल में भोजन नहीं मिलेगा तो वह बच्चों को घर से खाना लेकर भेजेंगे, जिससे उनके बच्चों को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। वहीं विद्यालय के रसोई घर बंद पड़ा है। प्रधानाध्यापक को बच्चों के मध्याह्न भोजन की चिंता नहीं है, विभाग के जिम्मेदार भी मौन साधे हुए हैं। प्रधानाध्यापक विद्यालय में रसोइयों की व्यवस्था नहीं होने का हवाले दे रही हैं। संबंधित अधिकारी भी कार्रवाई का हवाला देकर पल्ला झाड़ते हुए सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। सरकार ने मिड डे मील मध्याह्न भोजन देने का फैसला लिया है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय सिवड़ी में 2 दिन से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया गया। क्या बोले अधिकारी, मध्याह्न भोजन मिड डे मील एमडीएम प्रभारी ललित कुमार मुसालिया ने बताया कि विद्यालय में 2 दिन से भोजन ना बनने की जानकारी नहीं है, अगर ऐसा है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अजब गजब, प्राइमरी स्कूल में सोते दिखे अध्यापक, सवाल पूछने पर दिया या हैरान करने वाला जवाब। श्रावस्ती पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान श्रावस्ती की शिक्षा को उच्च स्तर पर लाने की बात कही थी। वैसे तो स्कूल चलो अभियान पूरे प्रदेश के लिए था, लेकिन श्रावस्ती की शिक्षा नीति आयोग के हिसाब से 0 पायदान पर है, इसलिए मुख्यमंत्री खुद श्रावस्ती पहुंचे और यहां से इस अभियान की शुरुआत की। सीएम ने यहां के अध्यापकों को प्रेरित करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन हो और स्कूल में उच्च शिक्षा देने का काम किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री की यह बात उल्टी साबित हुई। क्या है हाल, जहां एक तरफ सीएम योगी प्रदेश के साथ साथ श्रावस्ती की भी शिक्षा स्तर को बढ़ाने में लगे हैं, वहीं इस तपती गर्मी में गिलौला ब्लॉक के अमवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक कमरों में सोते हुए दिखाई दिए। वैसे तो यहां पर बच्चों की नामांकन संख्या 219 है, लेकिन 200 बच्चे सोमवार को स्कूल नहीं पहुंचे। सिर्फ 19 बच्चों के उपस्थित होने की अध्यापक बात कह रहे थे, वह भी 19 बच्चे स्कूल में नहीं दिखाई दिए। कमरे खाली थे और कमरों की बेंच पर मास्टर साहब आराम फरमाते हुए दिखाई दे रहे थे। शिक्षकों ने क्या दिया जवाब। दूसरी तरफ स्कूल के कार्यालय पर जब नजर गई तो कार्यालय में 2 अध्यापक इस उमस भरी गर्मी को दूर करने के लिए सोते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया तो दोनों का एक ही जवाब था, सर में दर्द हो रहा था तो नींद आ गई। अब सवाल है कि जब शिक्षकों ने स्कूल को आरामगाह बना लिया, छात्रों के भविष्य को कौन जगाएगा और मुख्यमंत्री के सपने को कैसे पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी वरीयता भी तय कर ली। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार विकास कार्य को गति देने के क्रम में मुख्यमंत्री लगातार बैठक के साथ ही विभागों की कार्ययोजना भी परख रहे हैं। मंगलवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन एनएक्सी में कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। एनएक्सी में कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की गाड़ी से पहुंचे। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तथा अन्य कैबिनेट मंत्री थे। मंत्रिमंडल ने जिन 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई उसमें सर्वाधिक फोकस पर्यटन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं पर था। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तथा वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। हरिद्वार के अलकनंदा गेस्ट हाउस में 3,000 वर्ग मीटर पर बनाया गया भागीरथी गेस्ट हाउस उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे, इनके लिए 5-5 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर स्थल के समीप बना हेलीपैड पर्यटन विभाग को मिलेगा।
पर्यटन विकास निगम अब 10 करोड़ रुपए तक के काम करेगा, उसे कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी दी गई। 82.53 किलोमीटर लंबे पुखराया घाटमपुर बिंदकी मार्ग जो अभी 2 लेन का है उसे 4 लेन में PPP आधार पर उच्चीकृत किया जाएगा। इसमें 1136 करोड़ रुपए का निजी निवेश होगा। इस पर होने वाले लाभ का 1% राज्य सरकार को मिलेगा। लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल का सेंटर खुलेगा। 2.5 एकड़ जमीन सरोजनी नगर के जैतखेड़ा में NCDC को 30 वर्ष के लिए लीज पर दी गई है। लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट के प्रमोशन से भरे जाएंगे। नियमावली में संशोधन को मंजूरी। KGMU के पुराने भवनों का ध्वस्तीकरण। ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 56 एकड़ जमीन चाहिए थी। ग्रेनो अथॉरिटी ने 414 करोड़ रुपये मांगे थे। राजस्व विभाग ने कहा कि अथॉरिटी पर हमारी इससे ज़्यादा राशि बकाया है, लिहाजा भूमि के मूल्य को इसमें समायोजित करते हुए जमीन निःशुल्क देने पर सहमति बनी है। गोपन विभाग में भी अपर मुख्य सचिव का पद मंजूर। होमगार्ड विभाग अधिकारियों के लिए 153 पिस्तौल खरीदेगा, प्रस्ताव मंजूर। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण कोटा निर्धारित। आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास। लखनऊ में NCDC के लिए मिली मंजूरी। पूरे भारत में 6 सेंटर खुलेंगे, 1 लखनऊ में भी खुलेगा। नगर क्षेत्र में संचालित बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 2 दर्जन स्कूल से हेडमास्टरों की थानेदारी समाप्त हो जाएगी। एक ही परिसर में संचालित एक या उससे अधिक सरकारी स्कूलों का सम्मिलन कर एक विद्यालय बनाने का काम किया जाएगा। वहां पर 2-2 प्रधानाध्यापकों के बजाय एक ही प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी तय है। इसको लेकर हेडमास्टर की शिक्षक संघों के साथ मिलकर राजनीति पहले से हावी रही। किसी न किसी तरह से शिक्षक राजनीति या अन्य माध्यमों से दबाव बनाकर इस काम को होने से रोकने के सारे प्रयास किए जा चुके हैं। नगर क्षेत्र में सम्मेलन का काम शुरू करने की योजना तैयार कर ली गई है। पिछले सत्र से शुरू किए गए सम्मेलन के काम में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को तो सम्मिलित कर दिया गया है, लेकिन नगर क्षेत्र के करीब 2 दर्जन विद्यालय अभी भी छूटे हुए हैं। एक ही परिसर में 2 हेडमास्टर के साथ 2-2 स्कूल संचालित हो रहे हैं। शिक्षक नेताओं और प्रधानाध्यापकों की मनमानी के चलते रुका सम्मेलन। सूत्रों का कहना है कि नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षक नेताओं प्रधानाध्यापकों की मनमानी के चलते सम्मेलन का काम रुका हुआ है। वह स्कूलों का सम्मेलन कर हेडमास्टर का चार्ज छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। BSA सतीन कुमार ढागा ने बताया कि कोरोना काल के चलते कुछ विद्यालयों के सम्मेलन का काम अटक गया है। छात्र संख्या, शिक्षक संख्या व स्कूलों की सूची तैयार कराई जा रही है। जुलाई से पहले या जुलाई की शुरुआत तक नगर क्षेत्र में सम्मेलन का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।